नमस्कार, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज 18। आइए बात करते हैं इस वक्त की खास खबर से। नहीं नहीं, कोई बड़ा दिल नहीं है, तो फाइनल साल कंपनियों के एजेंट है, कौन बड़ा दिल दिखा रहा भाई। लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये, और आज भी हेरा फेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आज के रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई दो पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन ना होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आ रहा है अभी देश में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी, ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा, और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो। जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहाँ से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, हम उसमें पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा तय करेगा कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पर ही है, और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पर महाराष्ट्र में भी यहाँ पर आए, तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है, अगर एक साल बाद में सरकार ने सूद ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन का हिस्सा बना, वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। सर ये भी है, इलेक्शन का भी लगता है कि जिस तरह से इनका ग्राफ गिर रहा है मोदी सरकार का, और जिस तरह से इनकी छवि खराब हो रही है, और ये पूर्ण रूप से कंपनियों के दबाव में काम कर रहे हैं, कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही हाल आप यहाँ पर लगा लो, यहाँ पर जिस तरह से आपके पालघर में भी पोर्ट बन रहा है, कहाँ से पहाड़ियाँ उठेगी, कहाँ पोर्ट बनेगा, और अडानी को या अंबानी को जाएगा, दूसरे तीसरे को जा नहीं सकता। बुलेट ट्रेन है, यहाँ की इनकी जमीन नहीं जाएगी। आदिवासी जंगल जल जंगल जमीन पर तो अधिकार उनका रहना चाहिए जो वहाँ के निवासी है। सर लगता है आपको कि जीत है? सर मोदी जी ने आज डिक्लेरेशन किया है, तो आपका आंदोलन डिक्लेरेशन के बाद स्थगित होगा या नहीं होगा? स्थगित हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं, जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पर ही है, और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पर महाराष्ट्र में भी यहाँ पर आए, तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है, अगर एक साल बाद में सरकार ने सूद ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन का हिस्सा बना, वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। सर की जीत है? सर मोदी जी ने आज डिक्लेरेशन किया है, तो आपका आंदोलन डिक्लेरेशन के बाद स्थगित होगा या नहीं होगा? स्थगित हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी। नहीं नहीं, कोई बड़ा दिल नहीं है, तो फाइनल साल कंपनियों के एजेंट है, कौन बड़ा दिल दिखा रहा भाई। लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये, और आज भी हेरा फेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आधे रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई दो पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन ना होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आ रहा है अभी देश में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी, ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। तो ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा, और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो। जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहां से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है।